ए वीडियो तुहानू ए समझन विच मदद करेगा कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स विच जियो नेटवर्क कीवें सेटअप किता जांदा है। इत्थे असी सैमसंग, शाओमी ते ओपो स्मार्टफोन्स लई सेटिंग समझावांगे। पहला स्टेप, अपने जियो सिम नू सिम स्लॉट एक ते पाओ। तुहानू जियो सिम नू अपने स्मार्टफोन दे सिम स्लॉट एक ते पाना है। दूजा स्टेप, अपने फोन ते नेटवर्क टाइप सेट करना। सैमसंग फोन्स लई सेटिंग खोलो, मोबाइल नेटवर्क्स ते जाओ, नेटवर्क मोड सिम 1 चुनो ते LTE/3G/2G दा चुनाव करो। शाओमी फोन लई सेटिंग खोलो, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स ते जाओ, फिर सिम कार्ड सेटिंग्स विच सिम 1 चुनो। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप लोकेट करो ते प्रेफर LTE दा चुनाव करो। जे तुहाडे कोल ओपो फोन है तां सेटिंग खोलो, डुअल सिम एंड मोबाइल डेटा ते जाओ, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप चुनो ते 4G/3G/2G ऑटो दा चुनाव करो। तीजा स्टेप, अपने जियो सिम तो डेटा दी वर्तो करो। सैमसंग फोन्स लई सेटिंग्स खोलो, सिम कार्ड मैनेजर खोलो, मोबाइल डेटा चुनो ते सिलेक्ट सिम 1 दा चुनाव करो। शाओमी फोन्स लई सेटिंग्स ते जाओ, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स, उस तो बाद इंटरनेट चुनो ता फिर सिम 1 दा चुनाव करो। जे तुहाडे कोल ओपो फोन है ता सेटिंग्स खोलो, डुअल सिम एंड मोबाइल डेटा ते जाओ, इंटरनेट चुनो ते सिम 1 दा चुनाव करो। चौथा स्टेप, डेटा रोमिंग नु एनेबल करो। सैमसंग फोन्स लई सेटिंग्स ते जाओ, मोबाइल नेटवर्क्स ते जाओ ते डेटा रोमिंग नु शुरू करन लई डेटा रोमिंग दे अग्गे बने हुए स्लाइडर नु टच करो। शाओमी फोन्स लई सेटिंग खोलो, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स ते जाओ, डेटा रोमिंग ते टैप करो ते फिर ऑलवेज दा चुनाव करो। ओपो फोन्स लई सेटिंग खोलो, डुअल सिम एंड मोबाइल डेटा ते जाओ ते डेटा रोमिंग नु शुरू करन लई उस दे अग्गे बने हुए स्लाइडर नु टच करो। जे तुहाडे फोन च ऊपर दसियां गईयां सेटिंग्स ठीक आ, नाले डेटा बैलेंस भी मौजूद होवे, लेकिन फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा होवे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ APN ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। Samsung ਫੋਨ ਤੇ APN ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਸ ਖੋਲੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮਸ ਚੁਣੋ, ਸਿਮ 1 ਚੁਣੋ, ਮੋਰ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਟੂ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੌਪਅਪ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। Xiaomi ਫੋਨਸ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਸ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਜਾਓ, सिम 1 चुनो, एक्सेस पॉइंट नेम्स ते जाओ ते रीसेट टू डिफॉल्ट ते टैप करो। ओपो फोन्स लई सेटिंग्स ते जाओ, डुअल सिम एंड मोबाइल डेटा चुनो, सिम 1 ते टैप करो, एक्सेस पॉइंट नेम्स ते टैप करो अते स्क्रीन ते थल्ले रीसेट टू डिफॉल्ट ते टैप करो। आखर विच इना सारिया स्टेप्स दा पालन करन तो बाद फोन नू रीस्टार्ट करना ना भूलो ते उस तो बाद तुसी जियो दिया सारिया सेवावां दा आनंद ले सकोगे। ਧੰਨਵਾਦ।